नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परेश माली और आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल स्नेक लवर परेश माली में वीडियो देख रहे हो। मित्रों, पालमपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे जो खिमाना टोल टैक्स है, इसके आगे लक्ष्मणपुरा गांव है। वहां पे मित्रों, गांव में जो घर है, घर के अंदर एक सांप छिप गया है। तो दोस्तों, हम अभी वहाँ स्नेक रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो हमारे चैनल के वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कौन सा स्नेक है, जहर वाला है, बिना जहर वाला है, और स्नेक का रेस्क्यू कर रहे हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको और भी सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल के वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। बार लाइन डब्बा पूछो एट जो डब्बो तैयार कर दो खाली गाड़ी डब्बो बार ले रहे खोली तैयार रख बीजा ना भाई भी करो चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परेश माली। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम अभी यहां पे स्नेक रेस्क्यू करने के लिए आए। दोस्तों, यहां पे जो मोटर है इसके पीछे कोबरा स्नेक छिपा हुआ है। आई नो मेरी गाइस, चलिए मित्रों अभी हम स्नेक का रेस्क्यू कर लेते हैं। कोबरा स्नेक है, इसको इंग्लिश में कोबरा नाम से जानते हैं, हिंदी में हम नाग नाम से जानते हैं। तो अभी हमने कोबरा स्नेक का रेस्क्यू कर लिया है। दोस्तों, इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। मित्रों, सांप कभी ऐसे काटता नहीं है, जब भी सांप को डर लगता है तो वो अपने बचाव के लिए ही काटता है। बिचिंदर साथियों, हमारा कर्तव्य है सांपों से इंसानों को बचाने का और इंसानों से सांपों को बचाने का। मित्रों, वन्य जीव अधिनियम की धारा 1972 के तहत सूचित किया गया है कि कोई भी वन्य प्राणी, पक्षी व सरीसृप पाल के रखना, इसको हैरान करना या परेशान करना, यह अपराध माना जाता है। दोस्तों, ऐसे करने वाले लोग पे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। चलिए मित्रों, अभी हम सबको बाहर लेते हैं और सबको बैक कर लेते हैं। बाहर ले लो। खुला दे भाई। दोस्तों, हमने अभी कोबरा स्नेक का रेस्क्यू कर लिया है। मित्रों, सांप कभी ऐसे काटता नहीं है, जब भी सांप को डर लगता है तो वो अपने बचाव के लिए काटता है। नमस्कार दोस्तों, हमने अभी जो लक्ष्मणपुरा गांव से मित्रों वो जो मोटर पड़ी थी, इसके पीछे से कोबरा स्नेक का रेस्क्यू किया था। वो मित्रों अभी हम फॉरेस्ट एरिया में रिलीज करने के लिए आए। दोस्तों, आप देख सकते हो कि बालाराम रिवर है, इसका एक ही भाग ही है, वो जो बालाराम रिवर है यहाँ से ही जाती है। मित्रों, हम यहाँ पे कोबरा स्नेक को रिलीज करने के लिए आए। चलिए मित्रों, अभी हम कोबरा स्नेक को फॉरेस्ट एरिया में रिलीज कर देंगे। बंद कर दो।
अभी हम साहब को फॉरेस्ट एरिया में रिसीव कर रहे हैं।